स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पे। आज हम लोग इस क्वेश्चन को बनाना सीखेंगे। आप लोगों का क्वेश्चन ये है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 398, 436 एंड 542, लीविंग रिमाइंडर 7, 11 एंड 15 रेस्पेक्टिवली। ओके, इस क्वेश्चन का पहले क्या मतलब है इसको समझिए। तो इसमें आपको लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है। तो जब भी आपको लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना हो तो उसका मतलब होता है SCF इसमें फाइंड करना है। और यही आपको बोल रहे हैं इसमें आपको स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड कीजिए, तो वहाँ पर आप लोग SCF फाइंड करेंगे। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? ओके, अब देखिए, तो आपको 398, 436 एंड 542 का SCF निकालना है, लेकिन इसमें आपको रिमाइंडर दिया है 7, 11 एंड 15। तो सबसे पहले क्या कीजिए, आपको इन तीनों का SCF निकालना है। इन तीनों को यहाँ पर लिख लीजिए। तो किसका किसका, तो 398 का निकालना है, 436 का निकालना है एंड 542 का निकालना है। ओके, अब देखिए यहाँ पर इन तीनों का आपको रिमाइंडर दिया हुआ है, तो इसको यहाँ से लिखिए। तो आपका 398 का रिमाइंडर यहाँ पर क्या दिया है, 7 दिया है। इनको इसमें से घटा दीजिए तो आप लोगों का बच जाएगा 391। अब देखिए फिर सेम आप दूसरे में भी वही कहेंगे, तो 436 का रिमाइंडर यहाँ पे क्या दिया, 11 दिया है। इसको इस वजह से घटा दिए तो आप लोग का बचेगा 425। ओके, अब चलिए फिर आपका 542 का रिमाइंडर दिया है 15, तो 542 में से 15 घटा दिए तो आपको रिमाइंडर बचेगा 7, 3 में 7 गया 2 और 5। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? अब चलिए अब आप इन तीनों का SCF निकाल लीजिए, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। तो पहले इन दोनों का आप लोग SCF निकाल लीजिएगा, फिर जो है इनका SCF आएगा उससे आप लोग इसका निकाल सकते हैं। ओके, तो चलिए इसका निकाल लेते हैं। तो 391 को आप लोग डिवाइड कर लीजिए 425 से, तो ये कितने बार में कटेगा, एक बार में कटेगा। तो आप लोगों को बचेगा 391, तो 5 में से 1 गया 4, 2 में से 3 9 गया तो 3 बच गया। ओके, और देखिए यहाँ पे जो डिवीजन होता है इसको यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा 391, तो 34 वन हम लोग को हो जाएगा 34। अब देखिए 9 में से 4 गया हम लोग का 5 और ये हम लोग का कट जाएगा, और यहाँ पे हम लोग का क्या बच गया, 1 बच गया। ओके, अब देखिए 34 वन हम लोग को हो जाएगा 34। अब देखिए 11 में से हम लोग का 4 जाएगा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 4 में से 1 जाएगा हम लोग का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे फिर आप लोगों ये जो डिवीजन है इसको हम लोग यहाँ लिखते हैं, तो 34 हो जाएगा। अब देखिए 72 जब हम लोग का क्या हो जाता है, 34, तो यहाँ पे ये हम लोग का पूरी तरीके से कट गया। यानी कि अब देखिए यहाँ पे जो आपको ये डिवीजन होता है यही SCF होता है, यानी इन दोनों का SCF तो आपको पता चल गया 17 होगा। अब देखिए जो 17 वैल्यू आया है इसको आप लोग डिवाइड कर लीजिए इतने से, तो चलिए डिवाइड करते हैं। तो अब देखिए 17 को डिवाइड कर लीजिए 527 से, चलिए इसको हम लोग काटते हैं। तो 73 जो हम लोग का क्या हो जाता है, 51 हो जाता है, 51 टू में से 1 गया हम लोग का 1 और ये हम लोग का कट जाएगा। यहाँ पे आप लोग का बच गया 17, तो 71 17, ये हम लोग पूरी तरीके से कट गया। तो इसका SCF क्या होगा, तो इसका SCF आप लोग का क्या हो जाएगा। अब देखिए SCF जो यहाँ पे डिवीजन है इसी का हम लोग को, इसी को हम लोग SCF कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का SCF हम लोग का क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ओके, इस तरीके से आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हैं। आई होप आज का वो वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।